वेलकम टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के एमसीक्यू वीडियो देखने वाले। ई बी सी सब्जेक्ट के सभी पार्ट हम देखने वाले। इस पार्ट टू है, पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन का वीडियो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे कहां पर जाना है, आगे कैसे स्टडी करना है, कोई भी गाइडेंस के लिए, कोई भी पर्सनल लाइफ के लिए, कोई भी आपको डाउट है तो बिना हेजिटेशन के, बिना घबराए मेरे को मैसेज कर सकते हो। स्वयं स्टडी इंस्टाग्राम में पेज है, उसको फॉलो कर दीजिए, और फेसबुक में स्वयं स्टडी पेज है, उसको फॉलो कर दीजिए। दोनों प्लेटफॉर्म में से आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बिना हेजिटेशन के इसका रिप्ले आपको हर रोज़ 10 बजे से पहले मिल जाएगा। तो सभी पार्ट देखिए और लाइक कीजिए चैनल को, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और यहाँ पर हम देखने वाले इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के एमसीक्यू वीडियो, जो आपके आने वाले यूनिवर्सिटी के एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा। फुल फॉर्म ऑफ द सीपीसी, सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? आपका पहला क्वेश्चन होगा सीपीसी का क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म क्या है पार्ट टू का। इसका राइट आंसर होएगा सर्किट प्रोटेक्टिव कंडक्टर। क्या होता है राइट आंसर? सर्किट प्रोटेक्टिव कंडक्टर, यानी राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बनेगा। आपको इतना क्लैरिटी का और इतना एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी चैनल पर आपको सभी के वीडियो नहीं मिलेंगे, तो सभी वीडियो देखिए, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। फुल फॉर्म ऑफ द XLPVC, XLPVC का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर द ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस लिंक पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। क्रॉस लिंक पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, फुल फॉर्म ऑफ द TPNIC, TPNIC का स्टैंडर्ड क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ट्रिपल पोल न्यूट्रल आयन क्लेड, ट्रिपल पोल न्यूट्रल आयन क्लेड राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थ्री का, बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। फुल फॉर्म ऑफ द RCD, RCD का फुल फॉर्म क्या है? रेसिड्यूल करंट डिवाइस। RCD का फुल फॉर्म होता है रेसिड्यूल करंट डिवाइस, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फाइव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ द TRS, TRS का फुल फॉर्म क्या होता है? थ्रू रबर सीथ, थ्रू रबर सीथ। आपको यहाँ पर डाउट होगा कि मैं यहाँ पर सब फुल फॉर्म क्यों डिस्कशन करवा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में वायरिंग आते, वायर आते तो सभी स्विच आती है, तब रबर सीट जो वायर का जो मटेरियल होता है सभी का फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है इंटरव्यू के लिए, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक फुल फॉर्म आएगा 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 ही। फुल फॉर्म ऑफ द CTS, केप टायर सीट, CTS का फुल फॉर्म होता है केप टायर सीट, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे, सेटिंग करंट ऑफ द RCD एट द मेन बोर्ड, RCD का सेटिंग करंट कितना होता है मेन बोर्ड में? रेसिड्यूल करंट डिवाइस में 300 से 500 मिली एम्पियर मेन बोर्ड में उसका सेटिंग होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेवन का ए। क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सेटिंग करंट ऑफ द रेसिड्यूल करंट डिवाइस एट द सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में RCD का लेवल कितना होता है? 300 मिली एम्पियर उसका सेटिंग किया जाता है। इसका राइट बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइटिंग लोड सिंगल फेज एंड थ्री फेज सप्लाई गिवन टू,
लाइटिंग लोड सिंगल फेज एंड थ्री फेज सप्लाई गिवन टू। लाइटिंग लोड होता है 6 किलोवाट सिंगल फेज में अप टू 6 किलोवाट और थ्री फेज में होता है मोर देन 6 किलोवाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन आपको कोई नहीं कर सकता। इसका क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 9 का A। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। What is a full form of the DB, MDB and HBC fuse? Right answer बताइए क्या होता है फुल फॉर्म। DB का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, MDB यानी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, HBC यानी हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर B। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज अ वोल्टेज ग्रेड ऑफ द केबल? वोल्टेज ग्रेड कितना होता है केबल का? सेफ्टी वोल्टेज विथ इंसुलेशन ऑफ द केबल विस्टेन। सेफ्टी वोल्टेज विथ इंसुलेशन कैन बी विस्टेन। तो वोल्टेज होता है इसका इंसुलेशन है, वो इस वोल्टेज को विस्टेंड कर सके इतना होना चाहिए, वोल्टेज ग्रेड इतना होना चाहिए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के MCQ वीडियो लेके वीडियो के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियो के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन मिनरल कोड, CRPC, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन हिस्ट्री के MCQ वीडियो और एक्सप्लेनेशन के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलिए, इंपॉर्टेंट डे के वीडियो, अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब के वीडियो और हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, आपकी चैनल को कैसे ग्रो करें, सभी के वीडियो इस चैनल के माध्यम से ले सकते हो। और यहां पर हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द ELCB? ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर D। अभी तो गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दिया है, अपने घर पर ELCB को माउंट करने का मैंडेटरी कर दिया है। कलर कोड फॉर सिंगल फेज कनेक्शन। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कलर कोड क्या होता है? फेज के लिए रेड होता है, न्यूट्रल के लिए ब्लैक होता है और अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर का यूज किया जाता है। इसका मतलब है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर D। राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर, स्टार्टिंग करंट कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ द लोड करंट। 2 टाइम्स ऑफ द लोड करंट नहीं होता, 1.5 टाइम ऑफ द फुल लोड करंट होता है। कितना करंट होता है मोटर का? स्टार्टिंग करंट 1.5 टाइम ऑफ द फुल लोड करंट। इस 14 नंबर का MCQ का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ द SORS, शेड्यूल ऑफ द रेट। SORS का स्टैंडर्ड होता है, फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ऑफ द रेट। 15 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। राइट लो एंड मीडियम हाई वोल्टेज वैल्यू। राइट लो एंड मीडियम हाई वोल्टेज वैल्यू। लो वोल्टेज अप टू 250 वोल्ट, मीडियम वोल्टेज अप टू 250 to 650 वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज 650 to 33 kV। लो वोल्टेज में हम यहाँ पर जो रेसिडेंशियल लोड पर यूज होता है उसको लो वोल्टेज, इससे ज़्यादा यानी 650 वोल्टेज और हाई वोल्टेज वहाँ से 33 kV की लाइन को हम ऐसे कंसीडर करेंगे हाई वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। व्हाई CCTV कैमरा इज प्रोवाइडेड कॉमर्शियल इंसुलेशन? कॉमर्शियल इंसुलेशन में क्यों प्रोवाइड करते हैं CCTV को? सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले टू कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन। व्हाई CCTV कैमरा प्रोवाइड? सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए CCTV कैमरा को प्रोवाइड किया जाता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द एयर?
वॉट इज अ डाइवर्सिटी फैक्टर फॉर द एयर कंडीशनिंग एंड लिफ्ट लोड? एयर कंडीशनिंग और लिफ्ट लोड के लिए डाइवर्सिटी फैक्टर कितना होना चाहिए? डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी वन लिफ्ट लोड एंड एयर कंडीशनर के एंड एयर कंडीशनिंग के लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ द EPABX इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन नंबर 20, फुल फॉर्म ऑफ द MOEFA मैनुअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल फायर अलार्म, मैनुअली ऑपरेट इलेक्ट्रिकल फायर अलार्म MOEFA का फुल फॉर्म है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पिनल कोड, CRPC के सभी MCQ वीडियो और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के वीडियो देखने के लिए और ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के MCQ वीडियो और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। और लाइक शेयर करना मत भूलिए और सभी को शेयर करना मत भूलिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए। स्वयं स्टडी चैनल के माध्यम से आप इतनी प्रिपरेशन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।